किरण, जिस तरह से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है शॉर्ट जो है वो कवर कर लिए जाए? कल का दिन तो भारतीय बाजार बंद रहने वाला है, और जिस हिसाब से अमेरिका दिखा रहा है कि डाउ फ्यूचर्स आज अच्छा बढ़त के साथ कारोबार करेगा, तो क्या शॉर्ट्स कवर कर लिए जाए, ये बताइए। हेमंत जी, व्यू के हिसाब से है मेरा। अगर एक या दो दिन का व्यू है तो शॉर्ट्स कवर कर लेना चाहिए। अगर एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते का व्यू है तो बिल्कुल शॉर्ट्स बना के रख सकते हैं। ये जो हम रैली देख रहे हैं, पुल बैक रैली है, जो कि इंटरमीडिएट ट्रेंड की एक खासियत होती है। तो मेरा मानना है कि ये करंट लेवल से 9900 तक बहुत कड़े रेजिस्टेंस जोन्स है। हर 20 पॉइंट पे आपको एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा। जो आज के ट्रेड भी देखिए, हर एक 10 पॉइंट के बाद रुक रुक के हम चल रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि शॉर्ट कवरिंग रैली बिल्कुल देखने को मिल रही है, पर कन्विंसिंग नहीं है कि यहाँ से कंप्लीटली यू टर्न लेके मार्केट वापस एक बार नया टॉप लगाएगी। जिस तरीके का हमने करेक्शन देखा था 10,100 के ऊपर के लेवल से 9,750 का, वो बहुत शार्प करेक्शन था और उसका छोटा सा पुल बैक होना लाजमी है और वही देखा जा रहा है। मेरा मानना है कि बेस्ट केस सिनेरियो में 9850 9870 तक जा सकता है, वो भी डाउटफुल है, पर बेस्ट केस सिनेरियो यही है। पर ओवर पीरियड ऑफ टाइम वापस नीचे निचले स्तर देखने में मिलेंगे। तो किरण, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, किन लेवल्स को पार करने के बाद आप कन्विंस्ड होंगे कि फिर से तेजी टिकेगी? कब आप कहेंगे कि बाजार ने बॉटम बना लिया है? क्योंकि इस समय सबसे बड़ा सवाल वही है। बिल्कुल अर्षदा जी, 9800 और 9900 में बहुत अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, और इसका अगर एवरेज लेते हैं तो 9850 के करीब आता है, इसलिए वो रेजिस्टेंस लेवल बहुत अहमियत रखता है। अगर हम 9900 के को क्रॉस करेंगे तब आपको ये शॉर्ट कवरिंग जो कॉल राइटिंग की है वो हायर स्ट्राइक प्राइसेस पे राइटिंग देखने को मिलेगी। अगर ये देखने को मिला और 9900 के ऊपर हम ट्रेड करते नजर आएंगे, तभी मैं कहूंगा कि ये बॉटम बन चुका है और नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली है। और जो परसों का बॉटम जो बना है वो मार्च महीने के सबसे सब अगर बॉटम जोड़ते हैं, उसका ट्रेंड लाइन लेते हैं, तो उन्हीं के करीब ट्रेंड लाइन वैल्यू के करीब से हमने यू टर्न ले लिया है। तो इंटरमीडिएट ट्रेंड फर्स्ट लेग खत्म हो चुका है, इसका करेक्शन है और वापस इंटरमीडिएट ट्रेंड चालू हो जाना चाहिए। ओके, किरण जी, ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर थोड़ी बिगड़ी थी तो मेटल कंपनियां पिट रही थी, और अब देखिए थोड़ी सी सुधरी और भनक लगेगी और सुधर सकती है। तो क्या तेजी देखी जा रही है? टाटा स्टील देखिए 4.5% ऊपर, हिंडालको शुक्रवार को मार खाया जब इसके नंबर्स कमजोर आए, लेकिन जब ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि टारगेट्स और रिवाइज कर दिए गए ऊपर की तरफ। पसंद क्या आ रहा है मेटल में आपको? टाटा स्टील ही सबसे बढ़िया स्टॉक देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके के वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक जो पिछला जो स्विंग टॉप है उसके करीब है, हम उसको क्रॉस करते नजर आएंगे। उस तरीके से मेरा मानना है कि टाटा स्टील ही सबसे बढ़िया काउंटर रहेगा मेटल सेक्टर में। उसके बाद वेदांता में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वेदांता भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। वेदांता में मेरा मानना है कि इधर से जो पुल बैक आएगा वापस एक बार 305 306 के लेवल देखने में मिल सकते हैं। तो ओवरऑल वेदांता सॉरी टाटा स्टील, वेदांता, हिंडालको, तीनों ही चार्ट पैटर्न अभी भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो लेकिन एक पॉकेट जो आज कमजोर है, इन्फी, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये देखिए सारे के सारे स्टॉक्स आज ढीले। चार्ट पर सबसे ज्यादा वीक कौन सा नजर आ रहा है किरण, आपको ये बताइए, क्योंकि आज के बाजार में देखिए दिन के निचले स्तर पर पीसीएस भी पहुंच गया, इन्फी का भी हाल कुछ ऐसा ही है, तो ये पॉकेट काफी ठंडी प्रदर्शन दिखा रही है आज, सबसे कमजोर क्या? पर एक्चुअली अगर सबसे कमजोर भी बताऊं हेमंत जी, फिर भी ट्रेड नहीं करना चाहिए इस स्टॉक्स में, क्योंकि एक छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर फिर भी कंपल्सरी एक का नाम लेना तो मैं एचसीएल टेक का नाम लूंगा। इधर वॉल्यूम बिल्कुल कम है तीनों स्टॉक्स में, और इधर पिछले 4-5 दिनों से कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम होता नजर आ रहा है, इसलिए इसको वीक का नाम दे सकते हैं, और शायद इधर से 5-6 रुपए की डाउनफॉल भी देखने को मिल सकती है। पर मैं वापस एक बार कहना चाहूंगा कि आईटी स्टॉक से दूर रहिए अभी। अच्छा, बैंक्स में बहुत इंटरेस्टिंग चाल देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आएंगे, 150 पॉइंट के ऊपर है। दो स्टॉक्स अब आप देखिए, आईडीबीआई बैंक, जहां पर हमने देखा एसेट क्वालिटी की स्थिति बहुत खराब, बद से बदतर हो गई है, लगभग 24% एनपीएस है इनके बैंक में, और बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर भी हमने देखा एसेट क्वालिटी पर काफी चिंता जाहिर की है ब्रोकरेज हाउसेस ने, वहां पर काफी टारगेट्स भी कम हो चुके हैं, लेकिन दोनों स्टॉक्स टूटे नहीं है।
इसके पीछे कारण क्या, टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है इसीलिए ये स्टॉक्स टूट नहीं रहे हैं किरण, या फिर ओवरसोल्ड थे इसीलिए अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है इनमें? नहीं, शायद ओवर सोल्ड थे इसलिए कुछ बचा नहीं है निचले स्तर पे, शायद इधर टाइम करेक्ट करेंगे और फिर गिरावट देखने में मिलेगी। और जिस तरीके से निफ्टी बढ़ रहा है तो बैंकिंग सेक्टर अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सवेरे जो पहले आधे घंटे में जो मूव अप मूव आई थी उसमें उससे हम नीचे ही चल रहे हैं फ्रॉम द टॉप्स आई मीन। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर चार्ट देखते हैं तो इसमें कुछ खास सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, पर अगर ये 140 का लेवल निकल जाए तो अच्छी खासी डाउन मूव देखने मिलेगी। पर जिस तरीके से हमने 160 से लेके 140 तक नीचे आ गए थे, थोड़ा सा टाइम करेक्शन होना चाहिए, उसके बाद आपको फिर करेक्टिव मूव देखने को मिलेगी। इधर से मैं अपसाइड लिमिटेड है ऐसा देखने को मिल रहा है। दरअसल जो खबरें खराब आई थी ना, बाजार को थोड़ा बहुत तो पता था ही बैंक ऑफ बड़ौदा के वीक नंबर आने वाले हैं, और जहां जहां लोगों ने शॉर्ट पोजिशन बना रखी है वही आज कवर हो रही है। इसका एक सटीक उदाहरण देता हूँ और वो है सन फार्मा। अब देखिए, नंबर्स देखकर कोई खरीदना नहीं चाहेगा आप, लेकिन पहले से ही टैरो के नंबर्स के आने के साथ साथ ही गिरावट हो गई थी, और अब आप देखिए जब सेकंड हाफ में लोगों को समझ में आया, अब तो अमेरिका के मार्केट्स भी आज मजबूती के साथ ही चलने वाले हैं, तो अब जिन्होंने शॉर्ट किए थे वो कवर कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग रैली कहां तक ले जा सकती है किरण जी, इसको ये बताइए। कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे? सन फार्मा, डेज हाई पर। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी इस स्टॉक में, काफी पिट चुका है, और अगर टेक्निकली सपोर्ट देखा जाए तो करीबन 460-458 अच्छे सपोर्ट्स है, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और जो पुलबैक रैली देखने मिल रही है वो करीबन 500 के करीब ले जा सकती है, तो मेरे फर्स्ट टारगेट 500 रहेंगे इस स्टॉक में। किरण जी हमारे साथ, किरण जी बताइए अगले दो ट्रेडिंग सेशन के लिए कोई कॉल दीजिए, क्योंकि कल तो बाजार बंद है, और फिर परसों तक क्या लग रहा है कहां तक जाएगा बाजार? बेस्ट केस सिनेरियो मेरा मानना है कि 9850 तक जाना चाहिए, और अगर लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो स्टॉप लॉस 9775 का जरूर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। किरण जी से भी पूछते हैं इसके चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं, पिछले दो ट्रेडिंग सेशन तो खास तौर पर इसके लिए बहुत ही बढ़िया रहे हैं, बताइए किरण जी क्या और ऊपर जा सकता है ये? बिल्कुल, आज सवेरे मॉर्निंग कॉल में मैंने ये इसी का कॉल दिया था टाटा ग्लोबल बाय करने के लिए, और टारगेट्स 179-180 के ही थे, तो जो कि हासिल हो चुके हैं, पर जो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न है बहुत ही स्ट्रांग है। इसका जो पिछले डेढ़ साल का जो कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट मिल चुका है, और जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है मेरा मानना है कि इधर से बहुत बड़ी मूव देखने में मिलेगी। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस करीबन 160 का रहेगा, जो कि बहुत नजदीक है करंट लेवल से, और टारगेट्स के लिए आपको 250 के ऊपर के लेवल्स देखने में मिलेंगे। ओके, स्टॉक का बहुत ही सरप्राइजिंग मूव है पीसी ज्वेलर्स, इसका 7 दिन का चार्ट आपके सामने लाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह का अप मूव इस स्टॉक में देखने को मिला है। ये देखिए, ये तो आज का शेयर क्या, अरे 11% ऊपर भाग गया ये शेयर, और 7 दिन में 30% की रैली है, और 7 दिन का चार्ट मैं अब आपको दिखाता हूँ निफ्टी का या फिर मिड कैप का, आप कोई भी उठा के देखिए पिछले 7 दिन मिड कैप्स के लिए कितने भारी रहे हैं, स्मॉल कैप्स के लिए तो और भी भारी रहे हैं, और सेंसेक्स निफ्टी के लिए भी मुश्किल भरे रहे हैं, और उस बीच भी ये शेयर करेक्ट नहीं हो रहा, ये शेयर कुछ अपनी ट्रेजेक्टरी में चल रहा है। किरण जी क्या हो रहा है इस स्टॉक में बताइए? डिमांड बहुत स्ट्रांग देखने में मिल रहा है, मेरा मानना है कि काफी खरीदने लग रहा है। कह रहा हूँ आप ज्वेलरी काफी खरीद रहे हैं। नहीं, मेरा मानना है कि अगर किसी के पास है तो बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। जिस तरीके का ट्रेंड है मेरा मानना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, 312 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। मेरा मानना है कि 360-365 के लेवल्स जल्दी देखने को मिलेंगे। इसमें ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, करीबन 20% राइज है अभी, और मेरा मानना है कि इधर से इस वजह से और भी ऊपर के लेवल्स देखने में मिलेंगे। ऑप्शन चेन डेटा भी देखते हैं ना हिमन जी, तो इधर भी एक काफी अच्छी रुझान देखने में मिल रही है। आउट ऑफ द मनी कॉल्स में काफी अच्छी ट्रैक्शन देखने में मिल रही है, जिसका मतलब है अच्छा खासा जमाव हायर लेवल्स पे देखने में मिल रहा है, एक्सपेक्टेशंस हाई है स्टॉक से। किरण यादव हमारे साथ है, किरण बताइए आपके रेडार पर कौन से ट्रेड्स हैं और क्या खरीदारी के ही सौदे होंगे या फिर एक सेल कॉल भी दे रहे हैं? नहीं, खरीदारी की सौदे है, मेरा मानना है कि आईजीएल में काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है और इसमें बाय करके चलना चाहिए। 1275 का स्टॉप लॉस आएगा, 1345 के टारगेट,
दूसरा रहेगा बाटा, जहां पे 654 के स्टॉपलॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, 680 के टारगेट्स बुधवार तक देखने मिल जाने चाहिए। नाटको पर एक टेक चेक दीजिए किरण, कितनी और बढ़त देखने को मिल सकती है स्टॉक में? रिजल्ट के बाद इसने बहुत ज्यादा करेक्शन दिखाया, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, और अभी एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन चालू है। इसका ब्रेकआउट लेवल करीबन 750-755 के लेवल्स पे आएगा, तो अगर इसके ऊपर ये क्लोज देता है तो मेरा मानना है कि एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने में मिलेगा, जो कि फर्स्ट टारगेट करीबन 840-860 के देखने में मिलेंगे। उधर एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए, जो हमने फॉल देखा था करीबन 1000 लेवल से 700 तक करीबन 30% का फॉल था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ आया था। तो ये सिर्फ कोई डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है क्या नहीं है, करीबन 850 के करीब जाते हुए हम पता चलेंगे। किरण जी, इसके चार्ट देखकर बताइए आप, इम्पोर्टेंट लेवल अगला कौन सा है? ये तो 24,000 के तो ऊपर है, लेकिन दिन के दौरान देखिए काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, थोड़ा ढीला हुआ है सेकंड हाफ में। बिल्कुल, मैं अशोक के पहले ही कह रहा था कि इधर थोड़ी सी नेगेटिव डाइवर्जन देखने को मिल रही है, और यही एक चिंताजनक बात है। तो अगर बैंक निफ्टी को परफॉर्म करना है तो उसको 24,250 के लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे, तभी एक अच्छी मूव आपको देखने में मिलेगी। थोड़ा सा हल्का रहा है, ये कोई बुरी बात नहीं है, पर इन जनरल अगर देखा जाए तो नेक्स्ट सपोर्ट करीबन 24,050 के करीब आती है। अगर ये निकल जाता है बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में, तो वापस आपको जो निचले लेवल्स थे 23,800, 23,900 लेवल्स, ये वापस टेस्ट होते नजर आएंगे। ओके,